कैसी देखो, मतलब बड़े खुश खुश लग रहे, सामने तो देख लो। तो भाई फटाफट से बता दो आपने कौन सी बाइक ली है हमारे व्यूवर्स को। हेलो दोस्तों, जी पी से मीडिया दोस्तों, आज मैं आया हूँ हमारे जय व्यास के पास। जय भाई हाई कर दो। सो दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले मैं और जय भाई गए थे दिल्ली, बाइक की एक नई बीच मशीन लेके आए हैं। तो उसका क्या, कुछ इमेजेस ख़राब हो गई थी तो मैं ब्लॉग अपलोड कर नहीं पाया और मैं भी कुछ अब बिज़ी हो गया था। तो आज इसी ब्लॉग के अंदर बाइक का डिलीवरी का भी आपको बताएंगे, प्लस इस बाइक का राइड रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। दोस्तों, जयेश भाई की बाइक फाइनल हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर्दे के पीछे वो है ब्यूटी जो हमारे जयेश भैया ने, इनके चेहरे की हंसी देखो, मतलब बड़े खुश खुश लग रहे, सामने तो देख लो। तो अब थोड़ी देर में इसका पर्दा उठने वाला है, तो अभी एक बार सब जने आ जाए, उसके बाद में बाइक से पर्दा उठाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि बाइक कौन सी ली है। केक आ गया है, तो भाई पहले केक कटिंग कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जयेश भाई। तो भाई की मतलब दिल की ख्वाहिश की गई है, बेस्ट केक। थैंक यू। तो हम भी हमारे जयेश भाई को केक भी मतलब बहुत बढ़िया था। अब बारी है इसके कवर को हटाने की, तो बस थोड़ा सा वेट और फिर इसके कवर हटाते हैं। तो हमारे जयेश भाई पर्दा हटा रहे हैं बाइक का। तो भाई फटाफट से बता दो आपने कौन सी बाइक ली है हमारे व्यूवर्स को। ये बात, भाई ने लिए हार्ले डेविडसन आयरन 883। आप बाइक की कंडीशन देखो, एकदम मस्त। ये भाई ने मोरत कर दिया इसका। अभी इसके बाइक ऊपर मैं आपको सिनेमैटिक भी दिखाता हूँ, इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। मैं अब आपको बाइक का वॉकआउट कर देता हूँ, मतलब सारे जिनाइन हार्ले से ही इसमें पार्ट्स इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आप देखिए। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस के लिए इसमें एयर फिल्टर इंस्टॉल कर रखा है, और इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल है वेंसी हाइनेस के, और बैकरेस इंस्टॉल कर रखा है, कस्टम सीट भी इंस्टॉल है ये सारे हार्ले से। बाकी पूरी मशीन स्टॉक ही है, मतलब ग्रिप भी हार्ले की तरफ से ही चेंज कर रखे हैं। बाकी आप बाइक देखो, बाकी ज़्यादा मज़ा आपको सिनेमेटिक में आएगा, और हेडलाइट भी इसमें LED है। दोस्तों, अब अपन चलते हैं इसका टेस्ट राइड लेने, इसका राइड रिव्यू देता हूँ मैं आप लोगों को। बाइक को कोल्ड स्टार्ट तो मैंने अलग ही कर दी थी, मतलब भाई साहब वेंसन है इसका, एग्जॉस्ट नोट सुनो, मतलब एक नंबर साउंड आता है, मतलब दूर से पता चल जाता है कि मतलब कोई चीज़ आ रही है। अब अपन चलते हैं, थोड़ा सा इसको भाई साहब पावर अल्टीमेट इस बाइक में, मतलब पावर का तो आप पूछो ही मत, और मतलब रिएक्शन इतने तगड़े मिलते हैं ना जिसकी हद नहीं। बाकी कुछ तो इसका साउंड, प्लस जो ब्रांड की ये बाइक है उसकी फैन फॉलोइंग तो नेक्स्ट लेवल वाली है, तो उसका तो अपन कुछ कह नहीं सकते। मतलब हर एक राइडर की मतलब दिल की हसरत होती है मतलब इस मशीन को ऑन करने की। अगर मतलब अगर एसेसरीज़ की मैं बात करूँ, तो हालांकि मैंने जब शोरूम में जब बाइक भाई ने ली थी उस टाइम में मैंने कुछ बताया था बाइक के बारे में भी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सीट हो गया, बैक रेस्ट हो गया, एग्जॉस्ट हो गए, और स्किमिंग ईगल का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर हो गया, तो मतलब ये कुछ छोटा मोटा चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर रखी है, बाकी ऐसा कुछ विशेष है नहीं। अब एक थोड़ी सी एक रोड मिल जाए तो इसको हल्की सी खींच के देखते हैं। मतलब
मतलब जो फटाके मार दिए ना भाई साहब टोटल छोड़ने के बाद, एक नंबर आता है, एक नंबर। पर हल्की सी रेस देने के बाद में जब आप इसको एक्सेलेटर छोड़ रहे हो, मतलब रेस छोड़ रहे हो, तो मतलब जो बैक फायर आता है, मतलब जो फटाके मार दी भाई, ओहो कहना ही क्या, एक नंबर आता है, एक नंबर, मतलब मजा आ जाता है। यहाँ पे अभी वॉश करवाई मैंने और देख लो वापस थोड़े ऐसे गंदा पानी वगैरह बरसात का मिल गया। इसको वापस अपन चलो इधर ही चलते हैं, यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा काम भी है, तो वो एक बार मैं निपटा लेता हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो मतलब देखो यार रिएक्शन देखो, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं यार ये क्या चीज़ जा रही है, क्योंकि जो इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर रखे भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट साउंड आता है। और ये है मतलब नॉन एवियस बाइक है, हालांकि देखो बड़ी बाइक्स में बाइक कोई भी चलाओ आप लोग, मतलब प्रॉपर अगर आपको बाइक रोकनी है तो आप इंजन ब्रेकिंग पे ही रहो। देखो चाहे एबीएस हो वो भी अपनी जगह ही काम करेगा, चाहे नॉन एबीएस हो, तो मतलब प्रॉपर अगर आपको बाइक का कंट्रोल चाहिए तो आपको इंजन ब्रेकिंग पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कि इंजन ब्रेकिंग से क्या है बाइक बहुत जल्द मतलब कंट्रोल में आ जाती है। बाकी भाई साहब मज़ा आ गया इस बाइक को चला के, अब थोड़ा मेन रोड पे चलते हैं, क्योंकि सिटी की गलियों में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। क्योंकि यार देखो साउंड इसका बहुत ज़्यादा लाउड है, और सिटी में क्या डॉग्स वगैरह रहते हैं, तो क्या यार पीछे ना पड़ जाएँ, तो उसको देखते हुए मैं सोच रहा हूँ वापस मेन रोड पे आ जाते हैं। मेन रोड पर अपन आ चुके हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे क्या रोड अच्छी खाली मिल जाएगी, तो वहाँ पर इसको हल्का सा खींच के देखेंगे, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि राइडिंग गियर के मामले में सिर्फ मैंने हेलमेट और ग्लव्स ही पहने, बाकी मैं जल्दबाजी में कुछ लेके आया नहीं था, क्योंकि मेरे को कहीं और भी जाना है, तो उस चक्कर में फिर क्या मैं वापस घर नहीं जाना पड़े, मैं वहीं से वहीं निकल जाऊँ बाइक ड्रॉप करके वापस, तो इस चक्कर में मैंने राइडिंग गियर इतने कैरी किए नहीं, तो अपन नॉर्मली इसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर आपको अगर इसकी स्पीड वाला देखना है, तो पिछले जो संडे राइड का जो मेरा ब्लॉग है, मैंने यही बाइक राइड की थी, तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। मतलब ये हाफ थ्रॉटल, मतलब इस बाइक का मैं पावर बताता हूँ, हाफ थ्रॉटल के अंदर इसने 170 टच किया है। अगर मैं फुल थ्रॉटल दे दूँ इस बाइक को, तो मतलब ये 200 के तक आराम से टच करे, 200-210 आराम से टच करेगी, इतना मेरे को पता है। मतलब हाफ टोटल में बाइक मतलब 170 टच कर रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और फुल टोटल तो मैंने दिए ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे को रोड ही नहीं मिली वैसी, नहीं तो इसका फुल टोटल। हालांकि देखो मैं देता नहीं हूँ, ठीक है बाइक का जितना 170 भी बहुत होता है, हार्डली जैसी क्रूजर मशीन के लिए, मतलब देखिए स्पोर्ट्स है या नेकेड, उसको तो फिर भी आप दौड़ा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रूजर बाइक को इतनी हाई स्पीड में दौड़ाना थोड़ा सा टफ रहता है, वो देखो एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग इसको चलाओ, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल में तो आप यूज़ कर ही सकते हो इसको। मतलब रिएक्शन मिलते हैं भाई साहब, आवाज़ सिर्फ देखते हैं यार ये क्या आ रहा है। अभी पीछे भी दो मोटरसाइकिल वाले भैया मतलब मुड़ के देख रहे हैं यार ये क्या आ रहा है, मतलब इतनी लाउड आवाज़ में। यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी रोड मिलने वाली है, तो यहाँ पे अपन इसको कल थोड़ी सी खींच के देखेंगे, बाकी ट्रैफिक में तो मैं खुद ही मना करता हूँ, आराम से चलानी चाहिए बाइक को। मतलब भाई साहब फ्लाई ओवर के नीचे मतलब इतनी और ज़्यादा लाउड हो जाती है भाई।
सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर की फिक्र मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना भी मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।